हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। जैसे कल आपने देखा, कल मैंने कर ली थी अपने मतलब दोनों रूम की क्लीनिंग। और ये ना हमारे रेंटेड हाउस है, जहाँ ये वाला और जहाँ इससे पहले आपने ब्लॉग देखा था वो हमारा था। मतलब जो मैं अपने घर बता रही थी वो हमारा घर देहरादून में बन रहा है, और मैं ये हरिद्वार में हमारा, और यहीं पे मेरा ससुराल भी है आगे जाके। वो भी आप मेरे ब्लॉग में देखोगे, वैसे देखा होगा आपने, मैंने डाला होगा। तो यहाँ पे ना मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। तो ये खिड़की ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना तेल से वो हो जाती है, तो ये ब्रश लिया है मैंने, मैं इस ब्रश से साफ़ करी थी। तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। इस इतनी अच्छे से साफ़ हो गई थी ना, बहुत अच्छे से। मैंने बिफ़ोर आफ्टर लगाना था, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। वो ये ब्रश लाई थी मैं एक बार, ये देख रहे हो आप तार वाला, शायद मैं दिखाऊंगी भी इसमें। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी, और मतलब अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब साफ़ सफ़ाई रहती है हाउस वाइफ को, घर तभी अच्छा लगता है जब साफ़। और किचन तो आप देख रहे हो पूरा फैला पड़ा है, तो किचन भी आज अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बस वही है, गंदगी ऐसे वैसे तो ठीक ही है, बट जैसे ये जाली मुझे मैंने साफ़ कर ली है, और नीचे जो फैला हुआ है सामान उनको ढंग से रख दूँगी। तो ये देखिए, ये है ये वाला ब्रश। तो आपको भी मिले तो आप भी इसे ज़रूर लाना, इससे सफाई, इससे ना जैसे टाइल वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, जैसे टॉयलेट वगैरह के भी ना। तो बस यहाँ पे डब्बे निकाल दूँगी, क्योंकि डब्बे भी वैसे मैं डब्बे भर के गई थी वहाँ फ्रिज के अंदर जो बचे, जो ये थोड़ा बहुत थे, तो इनको भी साफ़ कर दूँगी। पहले तो मैंने कपड़े से साफ़ किया, फिर बाद में मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैंने ये उससे साफ मतलब धुली दिए थे ऊपर से जो सामान भरा हुआ था। तो बाद में मैंने ये फिर धुली दिए थे। तो ये थोड़ा सा चीनी थी, मैंने कैसे कटोरी में रख देती हूँ, और उसके बाद किचन साफ करूँगी। वैसे ना मैं डब्बे ऐसे धुलती हूँ, जैसे कोई डब्बा खाली हो गया तो उसी समय धुल के रख देती हूँ। तो इससे ये ना कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस समय इतना वो, तो जैसे आप देख, इतना भारी नहीं पड़ता है मतलब। तो देख रहे होंगे आप, पोछ रही हूँ, अभी मैंने पोछे थे, फिर यही होता है कि इतने बर्तन धुल रही हूँ तो इनको भी धुल देती हूँ। तो मतलब मेरे काम का यही रहता है, सोचती कुछ हूँ लेकिन करती उससे ज़्यादा ही हूँ। तो बस यहाँ पे साफ़ सफ़ाई चल रही है किचन की, और किचन साफ़ हो गया तो बहुत तसल्ली होती है। सबसे गंदा हमारा किचन ही रहता है, क्योंकि एडजस्ट फैन वगैरह है बट फिर भी इतना वो नहीं होता है। तो यहाँ पे नहा धो के सारा काम मेरा हो गया है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि दाल मैंने सारी फ्रिज में रखी थी, क्योंकि इतने दिन घर बंद रहा था तो फिर रहता ही है, क्योंकि अगर डब्बे खुलते रहें तो फिर इतना डर नहीं रहता, लेकिन कुछ दिन तक लगातार बंद रहें तो फिर कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है, गर्मी वैसे ही है। तो बस यहाँ पे डब्बे निकाल रही हूँ, क्योंकि वो डब्बे भी सूख गए हैं जो धुले हैं। और दाल वगैरह भी कुछ रखी थी मैंने, वो रखी नहीं थी डब्बों में पिछली बार की, तो वो रख दूँगी मैं, एक्स्ट्रा थी मतलब ना। तो बस यहाँ पे सब सामान किचन में ले जाऊँगी और अपने किचन को अच्छे से सेट कर दूँगी। बस ये ले गई हूँ एक बार के, फिर दोबारा ले जाऊँगी। और आज बच्चे स्कूल गए हैं तो ये कि काम भी हो गया। और ये जो इसके ऊपर बिछाया ना, ये ऑफिस से लाए थे अपना, तो ये ना अच्छा है धुल के, मतलब 5-6 साल से बिछा रही हूँ मैं, देखो अभी तक बिल्कुल सही का सही है। फ्लैक्स ही होती है ना जो, वो है तो वो धुल के फिर बिछा दो और अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब अपने डब्बे कर रही हूँ अरेंज, सारे डब्बे सूख गए हैं अच्छे से, और तसल्ली भी हो गई कि मेरा किचन साफ़ हो गया है। वैसे रेंटेड है बट लेकिन मैं मतलब अपना ही समझ के रहती हूँ, क्योंकि घर चाहे किराए का हो या अपना हो, बिल्कुल अब ऐसा, क्योंकि रहना हमने है, खाना हमने है, सब चीज़ हमने करना है। तो फिर ये क्या सोचना है कि रेंटेड है या अपना है। तो मैं किराए के घर में भी रही हूँ तो अपनी उससे रहती हूँ, मतलब यही पहला रूम है मेरा, 6-7 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पर। जब बच्चों के, जब मेरा बड़ा वाला बेटे को एडमिशन के, उससे ही हम आए थे। वैसे मेरा ससुराल भी यहाँ पास में ही है, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो बस इसी वजह से आए थे कि वहाँ से ना स्कूल दूर हो जाएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ रूम लिया था। तो बस अब रूम लिया है तो यहीं रहते हैं, और जाते रहते हैं ससुराल भी बीच बीच में, क्योंकि उनकी देख रेख भी ज़रूरी है सास ससुर की। तो हर संडे हम जाते हैं, लेकिन आज मतलब कुछ टाइम से कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है कभी इनकी, तो जा नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसे ही जा रहे हैं एक मतलब 10-15 दिन में। नहीं तो पहले हम हर संडे जाते थे, जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना तो हम हर संडे जाते थे। तो बस सारा किचन मैंने अच्छे से अपना अरेंज कर लिया है, और अब खाना बनाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि किचन साफ़ होता है तो अच्छा ही लगता है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।